लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियन रिसर्च सेंटर के यंग एंड टैलेंटेड साइंटिस्ट सिद्धार्थ सरदेसाई, प्लीज। थैंक यू प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वी शैल बिगिन। स्लाइड्स में नजर आने वाले ये सभी जानवर हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, आज तक बीमार नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सब का जन्म प्राकृतिक तौर पर नहीं बल्कि हमारे लेबोरेटरी में हुआ है। जी हां, इन्हें क्लोन किया गया है। वैसे क्लोनिंग की यह साइंस बहुत पहले से हमारे यहां थी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ जब इसे अपनाया गया तो इसे हाइब्रिड का नाम दिया गया। फिर चाइना, जापान, यूके, जर्मनी जैसे देशों ने यही एक्सपेरिमेंट जानवरों के साथ किया और अब बारी है इंसानों की, ह्यूमन क्लोनिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि हम अपना क्लोन किस तरह से तैयार करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है कैप्सूल ए और वो है कैप्सूल बी। कंप्यूटर्स में डेटा फीड करने के बाद हम अपने मदर स्पेसिमन यानी कि हमारे सॉस को कैप्सूल ए में बंद करेंगे और कैप्सूल बी में तैयार होगा हमारा क्लोन, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। पर जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ता है, 2 साल पहले हम इसी कोशिश में अपने एक साथी संजय को खो चुके हैं। उस वक्त हमने अपने स्पेसिमन को यहां रखा था कैप्सूल ए में। उसके बारे में पूरी डिटेल्स और डेटा कंप्यूटर्स में फीड भी किए थे, पर कंप्यूटर भी इंसान की ही खोज है और वो वहीं तक सोच सकता है जहां तक इंसान ने उसे इजाजत दी हो। तो डेटा कंप्लीट न होने के कारण उसका उल्टा असर हुआ। जैसे कि अगर अर्थिंग ठीक से ना किया जाए तो आपको रिवर्स करंट मिलता है, और बदकिस्मती से हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। पर अब 2 साल की मेहनत और रिसर्च करने के बाद हम लोग फिर से तैयार हैं, और मैं सिद्धार्थ सरदेसाई आपसे वादा करता हूं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मुझे ये एक्सपेरिमेंट फिर से करने की इजाजत मिल जाए तो बहुत जल्द हम अपने देश में ह्यूमन क्लोन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, कुत्ते बिल्ली तक तो ठीक था, पर जब सवाल इंसान की जान का हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी ये कहाँ की समझदारी है कि आप डुप्लीकेट बनाते बनाते ओरिजिनल की ही जान ले लें। मॉर्निंग। और जो पिछली बार हुआ वो अगर इस बार भी हुआ तो ठीक नहीं होगा। पुलिस वाले, आप लोगों का यही प्रॉब्लम है, काम शुरू होने से पहले ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। देखिए, सिद्धार्थ ने अभी परमिशन मांगी है, उसे मिली नहीं है और मिलनी भी नहीं चाहिए। देखिए, आप साइंस के नाम पे किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं, लेकिन कानून की नजरों में ये कत्ल ही होगा, और एक पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, चाहे ये खुदकुशी ही क्यों ना हो। और फिर आप तो समझदार हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका इल्म आपको अच्छी तरह से, सो प्लीज ट्राई एंड कोऑपरेट। I will. Thank you. Good day. Good day. Thank you. Congratulations, Siddharth. Thank you very much. That was a good presentation. Siddharth, बहुत कमाल का प्रेजेंटेशन था तुम्हारा। Thank you. अभी डॉक्टर कृष्णन से तुम्हारी तारीफ करके आ रहा हूँ। Thanks. Well done and all the best. If you don't mind, would you excuse me, Dr. Krishnan? Yeah, please, please. Thank you. So may I come in? Yeah. Come, Siddharth. Come. इनफैक्ट मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये रिमार्क है उन लोगों के सिद्धार्थ जो वहाँ पे मौजूद थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट पूरा करने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो इंसान और इंसानियत की बहुत बड़ी भलाई होगी। और कुछ लोगों का ये मानना है कि हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सच कहा जाए तो
मैं भी उनमें से एक हूं। देखो बेटे, तुम इस प्रोजेक्ट में अपने खास दोस्त को गंवा चुके हो। एंड वी हैव लॉस्ट अ यंग एंड टैलेंटेड साइंटिस्ट। इसलिए तो मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता हूं सर। मैं नहीं चाहता कि जो कुर्बानी संजय ने दी है वो बेकार जाए। ये सपना उसने और मैंने एक साथ देखा था सर, और मैं ये सपने को पूरा करना चाहता हूँ। हकीकत मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। पर सर, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बार किसी की जान नहीं जाएगी, बल्कि मैं नई जिंदगी को जन्म दूंगा। अ कंप्लीटली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक जीता जागता परिपूर्ण इंसान। और नॉर्मल नहीं हुआ तो? सिद्धार्थ, तुम जानते हो कि आज दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज क्लोनिंग पर रिसर्च कर रही है, और कुछ कंट्रीज ने तो एनिमल क्लोनिंग, जानवरों पर क्लोनिंग कर भी लिया है, लेकिन आज तक किसी ने ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में नहीं सोचा। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। कोई नहीं जानता कि एक बार इंसान का क्लोनिंग हो गया तो क्या होगा। सबको डर है कि क्लोनिंग प्रोग्राम अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया तो। अगर एक गलत इंसान का क्लोन बन सकता है तो हजारों का बन सकता है। तुम्हारा ये सपना समाज के लिए अभिशाप बन सकता है। देखो सिद्धार्थ, इंसान को जिंदगी देने वाला वो है। हम इंसान है, भगवान नहीं, और भगवान बनने की कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। I'm sorry. तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल। सिद्धार्थ, प्लीज। पांच साल लगाए मैंने इस प्रोजेक्ट पर, और आज समझ में नहीं आता कि लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते। सिद्धू, तुम्हें अपने आप पे यकीन है ना, और मुझे भी। आज जो लोग तुम पे यकीन नहीं कर रहे हैं ना, देख लेना, एक दिन खुद आकर तुम्हें ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कहेंगे। कब? जब किसी दूसरे देश का साइंटिस्ट मुझसे पहले कामयाब हो जाएगा तब। कुछ नहीं कर सकते आदित्य, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ दूसरे देशों को उनकी कामयाबी पर बधाई दे सकते, बस, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए थी, सिर्फ एक मौका। हेलो। हेलो सिद्धार्थ सारथी सर, तुम चाहो तो अपना प्रोजेक्ट सरकार की मदद के बिना भी पूरा कर सकते हो। कौन है आप? मुझे अपना दोस्त समझो। तुम्हारे पास जोश है, दिमाग है, टैलेंट है। जरूरत है तो सिर्फ थोड़े से पैसे की, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो भी बिना किसी शर्त के। कितना पैसा लगेगा इस प्रोजेक्ट में? 10, 20, 50 करोड़? टेल मी हाउ मच मनी डू यू वांट। देखिए, मैं इंडियन रिसर्च सेंटर के लिए काम करता हूँ, और मैं ये प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं के लिए करूँगा। ओके, कौन था? कोई मेरा प्रोजेक्ट फाइनेंस करना चाहता है। तो तुमने फोन क्यों काट दिया? अदिति, मैं ये काम लोगों की भलाई के लिए करना चाहता हूँ। अगर एक बार मेरा प्रोजेक्ट गलत हाथों में पड़ गया तो कयामत आ सकती है, और वैसे भी मुझे वो आदमी गलत लग रहा था। सिद्धू, आदमी गलत हो सकता है, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही है। देखो, तुम्हें हर हाल में ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही होगा। कैसे अदिति? मेरे पास ना रिसोर्सेज है ना पैसे। सिद्धू, तुम्हें जो रिसोर्सेज चाहिए, जितने पैसे चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें। आखिर मेरा जो है वो तुम्हारा ही तो है। अदिति प्लीज। सिद्धू,
आखिर ये सब तुम लोगों की भलाई के लिए ही तो कर रहे हो। मैं इसके बारे में और डिस्कशन नहीं करना चाहता। अब जस्ट फेड अप, आई एम गोइंग। सिद्धू सिद्धू, इतना सोचा मत करो। कम ऑन नाउ, रिलैक्स, गिव मी अ स्माइल, कम ऑन। मैं तुम्हें फोन करता हूं। ओके। संजय मेरे दोस्त, ये दुनिया तुम्हारा बलिदान भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मैं क्लोनिंग का प्रोजेक्ट जरूर पूरा करूंगा और तुम्हारे बलिदान को जाया नहीं जाने दूंगा। आई प्रॉमिस माय फ्रेंड, आई प्रॉमिस। पापा, प्लीज हेल्प हिम। पापा सिद्धार्थ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई है, लेकिन इस दौलत की तब तक कोई कीमत नहीं जब तक ये मेरे अपनों को खुशी ना दे सके। तुम तो जानते हो मैं अपनी बीवी और बेटे को खो चुका हूं। इस दुनिया में अगर कोई मेरा अपना है तो वो सिर्फ मेरी बेटी अदिति है। इसकी हर खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है और यह खुशी मैं किसी हाल में खोना नहीं चाहता। पापा, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज सिद्धार्थ की मदद कीजिए, क्योंकि उसकी खुशी में मेरी खुशी है। हेल्प हिम पापा, प्लीज। ठीक है सिद्धार्थ, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए जितना रुपया चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सन, बी केयरफुल, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। कि साइंटिस्ट डरते नहीं, बिकॉज आई सॉ यू, तुम डर गए। सुचित्रा प्लीज। सुचित्रा नहीं, सुचिका होना। इतना लंबा नाम तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, यू नो फासले बढ़ जाते हैं। कम ऑन, कहो तुम आजकल कितने दिनों बाद आए हो। यू नो आई मिस यू सो मच। सुचित्रा ग्रो अप। सर है घर पे? कम ऑन या, कभी तो अपने सर का सर खाना छोड़ दो और उनकी बेटी के साथ दो बातें कर लो। सर है घर पे? हाँ है, कम। थैंक यू। मामा, मामा, लुक हूज हियर। नमस्ते आंटी। नमस्ते सिद्धार्थ, कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। वैसे तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। पता मैं क्या बना रही हूँ? डोसा। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? खाओगे? जी। ये क्या, चलो उठो। जो पापा, सीखो सिद्धार्थ आया है, मैं तुम्हारे लिए डोसा लेकर आती हूँ। सर, मैं कुछ दिन छुट्टी लेना चाहता हूँ। I hope you don't mind. Oh, no, 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 no. That is perfectly all right. वैसे भी तुमने 3 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है, करेक्ट? That's right, sir. और संडे को भी काम करते हो जैसे कि आज, और वो भी ऐसा काम जिसका कम से कम इंडिया जैसे कंट्री में तो कोई फायदा नहीं है। एनीवे, तुम जा कहाँ रहे हो? सोचा नहीं है सर। सोचा नहीं कि बताना नहीं चाहते? जी। जस्ट जोकिंग। एनीवे, जहां भी जाओ फोन करते रहना, नहीं तो हम लोग तुम्हारे बारे में चिंतित रहेंगे। जी, तो मैं चलूं सर?
इतनी जल्दी? हाँ सर, वो जरा पैकिंग करनी थी तो। I'll take a leave, sir. You all right, Siddharth? I'm fine, sir. You sure? Yeah. तो मैं चलता हूँ सर। मैं भी। कहाँ जा रही हो? मुझे पूजा के यहाँ जाना है पढ़ने के लिए। ओके। और अगर आपके ब्रिलियंट साइंटिस्ट साहब को तकलीफ ना हो तो क्या मैं इनकी गाड़ी में लिफ्ट ले सकती हूँ? You ask him? May I? I don't have a choice. अरे यहाँ नहीं, थोड़ा आगे वो। उतरो। What? Yes. मेरी गाड़ी में फालतू में चक्कर लगाने के लिए पेट्रोल नहीं है। कभी कहते हो तुम्हें फ्रेंड के घर जाना है, कभी कहते हो तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन फिलहाल मुझे घर जाना है। चलो उतरो वरना मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी भी क्या है पापा से बात करने की? अभी तो हमारा रोमांस शुरू हुआ है, पहले थोड़ी रोमांटिक बातें तो होने दो, फिर बात करेंगे हम शादी के बारे में। सुचित्रा उतरो नाउ। ओके बाबा ओके, उतरती हूँ। सुचित्रा मेरी चाबी दो वापस प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके, चाबी तुम्हारी, गाड़ी भी तुम्हारी, मैं चला, बाय। अरे रुको। कुछ तो हुआ है मेरे इस दिल को, कुछ तो हुआ दिल को, आँखों से तूने इसको छुआ है। कुछ तो हुआ है तेरे इस दिल को, कुछ तो हुआ है तेरे इस दिल को, तेरा दिल दीवाना कहीं खो गया है, कुछ तो हुआ है। सनम कह रही है तेरी बेकरारी, तुझ पे है छाई इश्क की खुमारी। पहले कभी था तेरा हाल ऐसा, मेरी जान चला तुझ पे जादू ये कैसा। कुछ तो हुआ है तेरे इस दिल को, कुछ तो हुआ है तेरे इस दिल को, तेरा दिल दीवाना कहीं खो गया है, कुछ तो हुआ है।
अक्सर ये मछुआरे भी थोड़े से पागल होते हैं। हर रोज जाल लेकर मछलियां पकड़ने के लिए भरे समंदर में जाते हैं। अरे मछलियां तो समंदर में भरी पड़ी है, अंदर जाकर पकड़ो यार, किनारे बैठकर पकड़ो, फर्क क्या पड़ता है, है? फर्क है जादव, ये इनका पागलपन नहीं जुनून है। बड़ी मछलियां गहरे पानी में ही पाई जाती हैं और उनको पकड़ने का नशा ही कुछ और है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े मुजरिम को पकड़ना। हम भी तो इन मछुआरों की तरह हैं। सर हम लोग मछुआरे? मुंबई शहर में इतने क्रिमिनल्स हैं कि रोज जाल फेंको तो दो चार पकड़े जाएं, लेकिन हमें चाहिए बड़े मुजरिम, बड़ी मछलियां। और हमारे जाल में केकड़े ही फंसते हैं। हाथ लगाने जाओ तो काटने को दौड़ते। ये मछलियां बड़ी सीधी सादी होती है, दाना लगाया कि फंस गई जाल में। 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर में कौन मुजरिम है कौन बेकसूर है पता ही नहीं चलता। मुझे तो सब सालों के चेहरे एक जैसे ही दिखते हैं। अब देखिए ना सर, इस वक्त कौन सा मुजरिम किस बिल्डिंग में घुसकर कौन सा जुर्म करता होगा क्या पता। पर वही तो मजा है इस खेल का, उस अनजान चेहरे को ढूंढना। हेलो अदिति, मुझे लगता है किसी ने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की है। What? कौन हो सकता है? शायद वही जिसने मुझे फोन किया हो। पर वो मेरी फाइलें चुरा के करेगा क्या? इस वजह सिर्फ थियोरीज हैं और मेरे बिना कोई इसका ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। पर सिद्धू गलत इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। आई थिंक वी शुड कॉल द पुलिस। नहीं क्योंकि पुलिस उसके साथ साथ हमें भी रोक सकती है। तो अब क्या करेंगे हम? हमें यह जगह छोड़नी पड़ेगी जितनी जल्दी हो सके। ओके। कैसी लगी? वाओ, फैंटास्टिक। अदिति, थैंक यू सो मच। सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकती थी, सच।
मैं खुद भी अपने लिए ऐसी जगह नहीं ढूंढ सकता था। जो नजरें तुम्हें ढूंढ सकती है वो तुम्हारी पसंद को भी ढूंढ सकती है। आदित्य यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां जहां मैं आराम से काम कर सकूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा। ये दिस इज द एरिया आदित्य, यहां मैं अपना कंप्यूटर, अपना कीबोर्ड, अपना स्क्रीन रखूंगा, यही वो जगह है। और वहां वहां मैं दो कैप्सूल रखूंगा आदित्य, जहां मैं अपना क्लोन बनाऊंगा। यस दिस इज द प्लेस। सर, बिना वारंट के यहाँ ऑलरेडी सर्च हो चुके हैं। यादव सर, सर सर सर, इंडियन पिनल कोड दफा 363 के मुताबिक ये तो सीधा सीधा किडनैपिंग का केस है सर। नहीं यादव, ये 363 का नहीं, 420 का केस है। सिद्धार्थ हमें जानबूझकर बेवकूफ बना रहा है, उसे यहां से गायब नहीं किया गया, वो खुद यहां से गायब हुआ है। खुद गायब हुआ? लेकिन वो गायब होके गया कहां? Identifying DNA.
start floating. Press enter. Press enter. Temperature rising. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपका बॉयफ्रेंड छुट्टी मनाने जाए और आपको जगह का नाम तक मालूम नहीं, बड़े ताज्जुब की बात है। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, पिछले कुछ दिनों से वो हमेशा अकेले रहने की बात कर रहा था। अपने प्रोजेक्ट से कुछ डिसअपॉइंटेड भी था, लेकिन ऐसे बिना बताए चला जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। प्रेम की भाषा में पता नहीं इसे क्या कहते हैं मैम, लेकिन कानून की भाषा में जिसका पता ना हो उसे लापता कहते हैं। और मैं लापता लोगों का पता अच्छी तरह से ढूंढ सकता हूँ। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साइंटिस्ट साहब का घर, उसकी तलाशी ली जा चुकी है और पुलिस को शक है कि उनका गायब होना उनके एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है। मतलब ये है कि मैडम, आपके सिद्धार्थ साहब या अपनी मर्जी से गायब हो गए या उन्हें किसी और की मर्जी से गायब किया गया, दोनों ही सूरतों में देश के लिए खतरा है। इसी घड़ी में आपको हमारा साथ देना चाहिए। यानी कि सिद्धार्थ के बारे में आपको कुछ भी पता चले तो हमें बताइएगा। मुजरिम कोई भी हो, हम उसके मकसद में उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कुटे मैम। तुमसे कहा था कि आ मत आओ ना, तो क्यों आई? सिद्धू वो राठौर, उसे शक हो गया कि तुम उसे छिपके वो तो तुमने मुझे फोन पे भी कहा था ना। सिद्धू तुम्हारी फिक्र हो रही है। फिक्र तो अभी होनी चाहिए तुम्हें। अगर राठौर तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि नहीं? लेकिन मैं सबसे बचते हुए आई हूँ, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था। प्लीज स्टॉप, प्लीज। सिद्धू बस, तुम्हें जितना बोलना था बोल दिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं तो दोबारा यहां मत आना। प्लीज नाउ लीव मी अलोन, प्लीज फॉर हेवन सेक लीव मी अलोन। क्या है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? पापा से तो बिल्कुल बदल गया है पापा, पता नहीं क्या हो गया है उसे। उससे बात करके ऐसा लगता है कि किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों उससे मिलके कुछ डर सा लग रहा है पापा। देखो बेटा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सिद्धू परेशान होगा, जानती हो आजकल वो किस हाल में है। तुम सीधा घर जाओ, मैं अपना काम खत्म करके घर पहुंचता हूं।
साथ में लंच करेंगे, ओके? बाय पापा। ओके बेबी, बाय। चलिए सर। कहाँ? अदिति को गिरफ्तार करने। उसने हमसे झूठ बोला, वो जानती है सिद्धार्थ कहाँ है। देखो यादव, सिद्धार्थ को हमें रंगे हाथों पकड़ना है, और अगर हमने अदिति से पूछताछ की तो उसे शक हो जाएगा और वो होशियार हो जाएगा। हमारा मकसद है सिद्धार्थ तक पहुंचना। देखिए सर, हम हमारे कस्टमर के बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मैम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स। सर आई एम वेरी सॉरी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हम लोग एक मुजरिम की तलाश में हैं। जी। इस मोबाइल नंबर पर मिस आदिति चोपड़ा के घर से और मोबाइल से बार बार फोन आ रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि ये मोबाइल नंबर कब और किसे इशू हुआ था। ओके सर। प्लीज। सर ये नंबर तो मिस अदिति चोपड़ा का है। कब इशू हुआ था? 16 जून। यादव, सिद्धार्थ छुट्टी पर कब गया था? सेम डेट सर, 16 जून। मैम जरा ये नंबर लगाएंगी। जी हाँ, और देखिए जो फोन रिसीव कर रहा है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ का नंबर है ये। ओके ओके सर, उसे पता नहीं चलेगा। गुड। हेमंत, रिकॉर्ड दिस। सर लगता है उसने फोन काट दिया। That buggers at the other end. Keep trying. Keep trying. Come on, come on, come, come boy.
मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें बनाया है। I've done it. I've done it. Yes, I've done it. Aditi! पुलिस? शिंदे, स्पीकर लाओ फौरन। यहां से बच निकलने का कोई चांस नहीं है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो सिद्धार्थ। आई रिपीट, सिद्धार्थ हमने तुम्हें घेर लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सिद्धार्थ द गेम इज ओवर, गिव योरसेल्फ अप सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जाओ यहां से। लेकिन तुम अदिति, तुम जाओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आई रिपीट, अपने आप को हमारे हवाले कर दो सिद्धार्थ। सोचो मत, जाओ यहां से, भागो सिद्धार्थ। बोल दिस, जाओ सिद्धार्थ, भागो। सिद्धार्थ आई सेड स्टॉप इट। सिद्धार्थ रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैं बोल रहा हूं सिद्धार्थ, स्टॉप इट। सिद्धार्थ क्या? नहीं इधर कुछ नहीं है। कुछ मिला क्या वहां? वहां पे देखा? नहीं साहब, पानी में पूरा देखा, वहां सिर्फ दलदल है। सर इतनी ऊंचाई से छलांग मारी है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ड्राइवर कहता है पानी के नीचे बहुत दलदल है, लाश शायद। लाश नहीं सिद्धार्थ, आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है? आप लोग इंसान हैं या जल्लाद? आप लोगों ने ही मजबूर किया है उसे इस पानी में छलांग मारने के लिए। अगर सिद्धार्थ को कुछ हो गया ना। देखिए मैम, हमने उसे मजबूर नहीं किया, और वैसे भी अगर वो निर्दोष होता क्या वो यहां से भागता? अगर आप हमें पहले ही सब कुछ सच सच बता देती तो ये नौबत नहीं आती। देखिए मैम, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। सर मैडम का गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं इनके लिए गर्म कॉफी मंगा दूं। सर आपके लिए मंगा? नहीं अदिति, पापा देखिए ना ये लोग क्या कह रहे हैं। कह रहे कि सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर आप देख सकते हैं मेरी बेटी की तबीयत खराब है, इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक हर होम? ओके, आई थिंक दैट विल बी बेटर। थैंक यू। आओ बेटी आओ, घबराओ मत बेटी, सिद्धार्थ जिंदा है। हाँ अभी अभी फोन आया था उसका। Staff, body,
कुछ पता चला? नहीं सर, सब जगह छान लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है जगदीश। सर सुबह हो चुकी है, सिद्धार्थ का कोई नामो निशान नहीं, अब क्या करें सर? ऐसा करो जादव, यहाँ पर अपने 3-4 आदमी तैनात कर दो। सर एनलेस कॉल रेडी। वही तो बोला, दिन तो निकल चुका है। अब गर्म कॉफी है? मैं अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देता हूँ। मैडम कुत्तों को लेके जाओ अभी, चलो खाना पीना खिलाओ, चलो जाओ जाओ। सुचित्रा? हाँ डैडी एवड़े आवरे अंडे। क्या हुआ, कौन था वो? ऑफिस से आया था, कह रहा था कि सिद्धार्थ की बॉडी नहीं मिली। सिद्धार्थ को कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा है क्या मतलब? मतलब कि सिद्धार्थ ने पुलिस से बचने के लिए पानी में छलांग लगाई थी, उसकी बॉडी अभी मिली नहीं है, लेकिन ये लोग मान रहे हैं कि नहीं। नहीं इनके मानने से क्या होता है? I'm sure अपने सिद्धार्थ को कुछ नहीं हुआ है। Telling you, I'm sure. No. बेटा, उसे कुछ नहीं होगा। तुम रोना मत। मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल ठीक है। सुचित्रा, सुचित्रा मेरी बात सुन। बेटा। Project complete.
का मस्ताना हर वक्त मुसीबत लाए लाए ये रूप तेरा मस्ताना हर वक्त मुसीबत लाए रग रग में शोले भड़के मेरे दिल पे कयामत लाए तेरी मस्त जवानी झलके झलके तेरी मस्त जवानी झलके दुनिया पे नशा छा जाए तेरी मस्त जवानी झलके दुनिया पे नशा छा जाए मुसीबत लाए रग रग में शोले भड़के तेरे दिल पे करामत लाए मेरी मस्त जवानी छलके तेरी मस्त जवानी छलके दुनिया पे नशा छा जाए असर है तेरी नजर में दो तीर उतरे सीधे जिगर में कैसा असर है तेरी नजर में दो तीर उतरे सीधे जिगर में नाजुक लबों को दे तू निशानी होंठों से चूमूं तेरी जवानी रूप मेरा मस्ताना हर वक्त मुसीबत लाए तेरे बदन की खुशबू चुरा लो आंखों का तेरे जादू चुरा लूं तेरे बदन की खुशबू चुरा लूं आंखों का तेरी जादू चुरा लूं आ जा के तेरी दुनिया बदल दूं बस जाऊं दिल में दिल में बसा लूं ये रूप तेरा मस्ताना हर वक्त मुसीबत लाए ये रूप तेरा मस्ताना हर वक्त मुसीबत लाए रग रग में शोले भड़के मेरे दिल पे कयामत लाए मेरी मस्त जवानी छलके दुनिया पे नशा छा जाए तेरी मस्त मस्त तेरी मस्त मस्त तेरी मस्त निगाहों मस्त तेरी मस्त निगाहों में जादू सा ऐसा छाया है 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 Music was damn good, hai na? I felt so nice. Dance mein bhi bahut maza aaya. Oh god. Okay then. Chal bye, see you. Bye. Yeah, catch you up later on. Bye, come tomorrow. Hi. Hi. Ye meri gaadi hai. Janta hu. Kya tum mujhe lift doge? Kahan jana hai aapko? Tumhare ghar ya मेरे घर गुड जोक मैं लेट हो रही हूँ बाय द वे तुम बहुत अच्छा डांस करती हो थैंक यू तुम भी आई एम गेटिंग लेट आई लव यू बिहेव योरसेल्फ Just because I dance with you, इसका मतलब ये नहीं तो मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत करो
मारती हुई है जानवर। I'm sorry. I'm very sorry. कैसे हो सकता है सिद्धू, अगर तुम्हारा कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल बता रहा है तो क्लोन जरूर बना होगा। नहीं सिद्धू, अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर सफल है तो इंसान पर क्यों नहीं होगा? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद मेरे कंप्यूटर की रिपोर्ट गलत हो। रिलैक्स सिद्धू, यू कैन डू इट अगेन। लैब तो तैयार ही है, हम फिर से कोशिश करेंगे। नहीं आदिति, मैंने सब कुछ तोड़ दिया, कुछ बाकी नहीं बचा। ऑनेस्टली मैं टूट चुका हूं, मुझ में अब हिम्मत नहीं। एकदम पागल था वो, absolutely mad. He must arrest him. He's very dangerous. सर, आपका फोन। आता हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर। कौन बोल रहे? आपका दोस्त। यूं समझ लीजिए अभी अभी जिस मुजरिम की आप रनिंग कमेंट्री सुन रहे हैं उसका मैं लाइव शो देख रहा हूं। किसकी बात कर रहे हो तुम? मरिया के साथ नाचने वाले उस डांसर की, जो अभी भी किसी को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। तुम बोल कहां से रहे हो? अदिति चोपड़ा के घर के बाहर से। जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कहीं पहुंचने से पहले आशिक माशूक की पांव से निकलकर फरार ना हो जाए। सर, मारिया ने जिस आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया कि उसका स्केच। सिद्धार्थ सरदेसाई। चलो चलो, सब चारों तरफ फैल जाओ, वो भागने ना पाए। चल चल, देखो यहीं कहीं पे होना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के घर के अंदर आने से पहले घंटी बजा के आए? घंटी तो बजाने आया हूँ मैम। क्या मतलब? मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। सिद्धार्थ को कहाँ छुपा के रखा? हाँ ए जरा अच्छी तरह से ढूंढो कहाँ पे छुपा है वो। अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कमरे में ढूंढो। आज जोन मगा जा।
देखिए आप जबरदस्ती किसी के घर में नहीं घुस सकते. डू यू हैव अ सर्च वारंट? एक्सक्यूज मी, पहले आप अपनी उंगली नीचे कीजिए. कोई मुझ पे उंगली उठाए ये मुझे पसंद नहीं. और आप जो बात कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है. अदिति, मैंने कुछ नहीं किया. नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. चलिए इंस्पेक्टर साहब. लगा बहुत कड़ी. नहीं सिद्धू, तुम कहीं नहीं जाओगे. मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करती हूँ और देखती हूँ तुम्हें कैसे ले जाते. तुम्हें जो करना कर लो. अगर मेरे काम में दखल दिया तो मैं तुम्हें भी अंदर कर दूंगा, समझी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, लर्न टू टॉक टू अ वुमन. हाथ घड़ी लगाओ और जल्दी बाहर लेके आ पाटिल. आई बी ओके. ओके. क्यों मैडम, क्यों लफड़ा बढ़ा रही हो? देखिए इंडियन पिनल कोड. पवार, नहीं नहीं मैम, ये सरकारी गाड़ी सिर्फ इन जैसे मुजरिमों और मुझ जैसे बदतमीजों के लिए है. आपको पुलिस स्टेशन आना तो अपनी इंपोर्टेड गाड़ी में आ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा. चलो जादव. सिद्धू, अदिति, मैंने कुछ नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा. सिद्धू, नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है. नहीं देखा? नहीं. अच्छा, फिर से देख. सर मैंने कहा ना, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है. चल देखते हैं साथ में. मैम, क्या यही है वो? Are you sure? इसने मुझे मारा है. Arrest him! इसने मुझे मारा है. Stop it! बड़े लड़की. ये रोको ने. रोको. पागल है क्या? Who's the gun? पकारे बाहर लेके जाओ ने. Arrest him! बाहर चलिए. बाहर चलिए. पागल है सर. So you don't know who she is? सर मैंने आज के पहले से कभी नहीं देखा सर. मुझे पता नहीं ये कौन है और ये सब क्यों कर रही है सर. आज के पहले कभी नहीं देखा? तो किसका स्केच है ये? किसका स्केच है ये? ये स्केच तुम्हारे आने के बाद नहीं, तुम्हारे आने के पहले बना, समझे? बताओ ये तुम हो कि नहीं? ये तुम हो कि नहीं, जवाब दो. हाँ लेकिन. हाँ लेकिन क्या? क्या? शक के बिना पुलिस किसी भी आम नागरिक को नोटिस दिए या बिना नोटिस दिए हवालात में बंद कर सकती है. और उस लड़की ने खुद सिद्धार्थ के खिलाफ बयान दिया है. वो और उसके चेहरे के निशान चिल्ला चिल्ला कर हमें सिद्धार्थ के खिलाफ 305, 326, 364 और 375 लगाने पे मजबूर कर रहे हैं. पहले से ही उस पर 121 लगी हुई है. उसके मुताबिक सिद्धार्थ पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचाकर देश को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा है. कानून की धारा में. आप क्या कानून की धाराओं में बहते जाएंगे या हमारी बात भी सुनेंगे? आपसे हमने कह दिया है कि हमने जमानत की एप्लीकेशन दे दी है. हमारा लॉयर किसी भी वक्त मजिस्ट्रेट की चिट्ठी लेके आता ही होगा. तब तक क्या हम सिद्धार्थ को नहीं मिल सकते या उसके लिए भी कोई और धारा है? नहीं, नहीं, इसके लिए कोई धारा नहीं है. हाँ, लेकिन कानून जरूर है. मैं आप दोनों को मुजरिम से. सिद्धार्थ मुजरिम नहीं है. आप शायद भूल रहे हैं कि अभी तक उसकी कोर्ट में पेशी भी नहीं हुई है. ओके ओके मैडम ओके. मैं आप दोनों को एक साथ सिद्धार्थ से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता. आप दोनों में से कोई एक जाके मिल सकता है. व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप अभी इसी वक्त अपने सीनियर्स को बुलाइए. उसके लिए आपको 2 घंटा वेट करना पड़ेगा. आप यहाँ बैठिए नहीं तो बाहर, आपकी चॉइस. प्लीज एक मिनट प्लीज. देखो मुझे लगता है हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए. ओके, क्या मैं सिद्धार्थ को अकेले में मिल सकता हूँ? आई होप यू डोंट माइंड. नो सर, आप जाइए, मैं वेट करती हूँ. कैन आई? नहीं नहीं प्लीज, आपको कौन रोकता है. थैंक यू. पवार, इनको मिलने दो, सिद्धार्थ से मिलने दो. हाँ हाँ, क्या हुआ? एक मिनट बैठिए ना, पुलिस का मामला है. प्लीज
सिद्धार्थ, बहुत दुख होता है तुम्हें इस तरह देखकर। देखो बेटा, तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट ही नहीं, एक साइंटिस्ट हो, और ऐसा साइंटिस्ट जिसका प्रोजेक्ट दूसरा कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। और बेटे, भगवान हमें वो सब नहीं देता जो हम चाहते हैं। तुम एक क्लोन नहीं बना सके तो किसी घटिया बार में जाके मारपीट की, वो भी किसी लड़की के लिए। सर आप गलत समझ रहे हैं, मैंने अपना क्लोन बना लिया है और वो ये सब कर रहा है। हाँ सर, लेकिन मेरी गलती सिर्फ इतनी कि मैंने आपकी इजाजत के बिना लैब क्रिएट करके अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया है। लेकिन मेरा यकीन माने सर, मैंने उस लड़की को पहले कभी देखा तक नहीं है, लेकिन वो जो कह रही है सर बिल्कुल सच कह रही है। सिद्धार्थ, कहीं ये तुम्हारा भ्रम तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लोनिंग के बारे में सोचते रहने से तुम्हें ऐसा लगाओ कि तुमने अपना क्लोन बना लिया हो? होता है ऐसे हालात में इंसान दोहरी जिंदगी भी जीने लगता है, होता है बेटे। सर मैं सच कह रहा हूँ, I'm telling you the truth। मैंने उसे अपने हाथों से बनाया। Please believe me, I'm telling you the truth। सच ये है कि okay, of course I believe you। तुम्हें बेटे आराम की जरूरत है। Okay, फिलहाल एक काम करो, तुम्हें अपने रिसर्च के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। Okay? मतलब आपको ही मेरी बात पर यकीन नहीं है? No, I believe you, बेटे। Of course I believe you। सबसे पहले जरूरी है तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना। I'll just arrange your bail, okay? Everything will be all right. मां तुझे सलाम। एक तू ही है जो मुझे समझ सकता है, क्योंकि तू मेरी तरह है ना। लोग जितने बड़े जीनियस होते हैं उतने ही बड़े बेवकूफ और सनकी होते हैं। क्या जरूरत थी ये सब तोड़ने की, इतनी जल्दी क्या थी? कम से कम कंप्यूटर तो छोड़ा होता जिसमें वो प्रोजेक्ट फाइल थी। अब मुझे वो प्रोजेक्ट फाइल कहां मिलेगी? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रही थी तुम्हें? मैं तो यही था, तुमने मुझे नहीं देखा। लेकिन तुमने तो देखा होगा ना, कुछ कहा क्यों नहीं? कैसे कहता, मैं तुम्हें सुन रहा था, तुम्हारी सांसों की आवाज को, तुम्हारे दिल की धड़कन को। ए, तुम सिद्धार्थ ही हो ना? आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। और ये शायरी ये कब से शुरू कर दिया? जब से तुमसे दूर हुआ हूं तब से। और अदिति, कभी कभी इंसान किसी के बहुत करीब आकर भी बहुत दूर हो जाता है, और वैसे भी मैं आज यहां तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को नहीं चाहता। थोड़ी देर के लिए बस तुम और मैं और तुम। बहुत बातें करना चाहता हूं मैं तुमसे। सिद्धार्थ, Thank you.
जलवा है तेरा, ये जलवा। Do you feel the magic of the night? कहीं दिल कहीं जाने होगा क्या,
लेकिन वो फाइल तुम्हें चाहिए क्यों? इसलिए कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि मैं इस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करूं। सोची, अगर वो प्रोजेक्ट फाइल मुझे मिल गई ना, तो हम हमेशा के लिए यहां से दूर चले जाएंगे, तुम और मैं। लेकिन वो फाइल हमें मिलेगी कैसे? तुम तो जानते हो पापा ये चीजें घर पर कभी नहीं लाते। वो फाइल भी उन्होंने अपने लॉकर में ही रखी होगी, और वहां की सिक्योरिटी के बारे में तो तुम जानते हो, मैं तो आयर से बिल्डिंग के अंदर तक नहीं एंटर कर सकती। लॉकर? सूची, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन एक बात याद रहे, जब तक मैं ना कहूं, तुम हमारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। ओके? गुड गर्ल सूची, यू लव मी नो? आई लव यू। सिक्योरिटी चेक। चश्मा उतारिए अपना। कोई यकीन नहीं कर रहा है, कोई नहीं मान रहा है कि क्लोन बन चुका है, डॉक्टर कृष्णन भी नहीं, जबकि वो जानते कि मैं ऐसा कर सकता हूं। उस लड़की ने मुझे देखकर जिस तरह से रिएक्ट किया, कोई तो है जो मेरे जैसा है? और अगर है तो कहां है? अरे सिद्धार्थ, आओ आओ भाई, कैसे आना हुआ? मुझे मेरी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए सर। क्यों? मैं उसे जला देना चाहता हूं। What? सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, देखो, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आई नीड द फाइल नाउ। सिद्धार्थ, मुझे वो फाइल चाहिए प्रोफेसर। मैंने अपना क्लोन बना लिया है सर, और वो ये सब कर रहा है। Who are you? कौन हो तुम? Thank you.
कृष्णन्स रेजिडेंस? यस। मैं आईआरसी से बोल रहा हूँ। हाँ। एक बहुत बुरी खबर है। प्रोफेसर साहब को उनके कैबिन में प्रोफेसर साहब का कत्ल हो गया है। किसका फोन है बेटा? सुचित्रा, किसका फोन है? तुम बताती क्यों नहीं हो? सुचित्रा, सुचित्रा, यू ओके? किसका फोन है? सुचित्रा, क्या हुआ? बताओ मुझे। क्या किने कौन? साला कुछ भी नहीं बोल रहा अभी भी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों मारा जा रहा है? मैंने किया क्या है? मेरा जुर्म क्या है वो तो बताइए। अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दे। आप क्या बोल रहे हैं? मेरे तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आएगा जब मैं अदालत में सारे सबूत पेश करूंगा। बिल्डिंग के वॉचमैन ने तुझे बिल्डिंग के अंदर जाते देखा है, आईआरसी के सारे कैमरास में तो कैबिन के अंदर जाते और बाहर आते रिकॉर्ड हुआ है। कैमरा को हाथ दिखाता है। आईआरसी, ये आप किसके कैबिन के बारे में बोल रहे हैं? आप डॉक्टर कृष्णन के, जिनको तुमने तिबेरे में से मारे। अपने गुरु को मार के कैमरा को हाथ दिखाता है। सड़ने दो साले को। मैं सिद्धार्थ सरदेसाई से मिलना चाहता हूँ। मैं उसका वकील हूँ। ठीक है।
शिंदे। ओ मैडम। इन साहब को सिद्धार्थ सरदेसा के पास लेकर जाओ। ओ। सिद्धार्थ ये इन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया सिद्धार्थ, देश के इतने बड़े साइंटिस्ट को जमीन की धूल चाटनी पड़ रही है। सैड, वेरी सैड। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? ओ मैं तो भूल ही गया, एक मिनट हाँ। मैं वही हूं जिसे तुमने अपने हाथों से जन्म दिया। आपके पैर कहाँ हैं मेरे जन्मदाता? हैरानी हो रही है ना मुझे यहाँ देखकर? यार ये दुनिया कितनी बेवकूफ है जो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती। You are the only one who can make a clone like me. तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे गुरु। अरे हाँ, गुरु से याद आया, वो जो डॉक्टर कृष्णन थे ना, डॉक्टर कृष्णन, वो भी अपने आप को मेरा गुरु मानते थे। अब एक ही आदमी के दो दो गुरु कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। फिनिश। अब सिर्फ मैं और तुम, तुम और मैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम सिर्फ अपने आप को संभालना, बाकी मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। आई मीन इट, कसम से, तुम्हारे घर के अंदर भी और बाहर भी, जिसे तुम चाहते हो उसे भी और जो तुम्हें चाहती है उसे भी। नहीं समझे? मैं सुचित्रा के बारे में बात कर रहा हूं। रात भर बेचारी मेरी बाहों में सिर्फ तुम्हें याद कर रही थी। सैड, पर मैंने भी उसे निराश नहीं किया। एक एक करके मैंने उसे वो सब दिया जो वो तुमसे चाहती थी, ऊपर से लेके नीचे तक, उसके बदन के एक एक हिस्से को पूरी ईमानदारी के साथ मेरे होठों ने छुआ। सॉरी, पर कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि जो काम कर रहा हूं तुम्हारा ही तो काम कर रहा हूं। जो काम तुम अंदर रहकर नहीं कर सकते वो मुझे बाहर रहकर करना पड़ता है, वरना हमारे धोने का क्या फायदा सिद्धू? सिद्धू, अदिति भी तुम्हें इसी नाम से बुलाती है ना? बहुत अच्छी लड़की है, वेरी स्वीट गर्ल। लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं उसका दिल भी टूटने नहीं दूंगा, डबल ड्यूटी करूंगा। ओके? दिन में अलग, रात को अलग। अदिति, सुचित्रा, अदिति, सुचित्रा, अदिति, सुचित्रा। जिसे हम प्यार करते हैं वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है।
हाँ बेटा, बिल्कुल इन सितारों की तरह। जब तक तुम्हारे पापा थे, जमीन पर रोशनी फैलाते थे, लेकिन अब वो वहां आसमान में चमक रहे हैं। मामा, आप कहा करते थे ना कि अगर जाने वाले का मन उस दुनिया में ना लगे तो वो भगवान से प्रार्थना करके वापस लौट आते हैं किसी ना किसी रूप में। शायद पापा का मन भी वह नहीं लग रहा है मामा, वो भी यहां वापस आना चाहते हैं। हाँ मामा, वो इस घर में वापस आना चाहते हैं हमारे पास। मेरे पास। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ मामा, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। कौन है वो? आप बोलते रहे, क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। सर अगर आपने मेरा यकीन नहीं किया तो वो इसी तरह मुझे फंसाते रहेगा। सर मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या है, लेकिन उसे रोकना बहुत जरूरी है। सर तूने फिर अपना बकवास शुरू कर दिया। ये बकवास नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज बिलीव मी। मैंने इन्हीं हाथों से उसे बनाया है सर। सर अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ सर। वो फाइल, वो लैब, वो एक्सपेरिमेंट, वो कैप्सूल सब वहीं पर है सर। सर मुझे पूरा यकीन है, वहां जाते ही आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा। प्लीज बिलीव मी सर, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दीजिए, प्लीज। सिर्फ एक मौका सर, प्लीज प्लीज बिलीव मी, जस्ट वन चांस प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, मगर एक बात याद रख, अगर तेरी बात झूठ निकली तो तुझे अपनी जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही तुझे मार दूंगा, समझा? उस तरफ सर, चलो आइए, आइए सर, आइए। हाँ सर आइए, वहां उस तरफ सर। वो कहां पे लेके आया है? साला फेंक रहा है। नहीं, ऊपर ऊपर। आइए आइए सर। बोलो सिद्धार्थ। सर यही तो मेरा लैब था सर, कैप्सूल ए, कैप्सूल बी, मेरे मॉनिटर्स, मेरा कंप्यूटर, जैसे मेरे सारे डेटाबेस थे सर, यहीं पर थे। ये मेरे आराम करने की जगह थी सर, मेरा ये मेरे टेबल यहाँ, फ्रिज वहां, ये रेलिंग कैसे? आई डोंट बिलीव दिस सर। सर मैंने अपने क्लोन को यहाँ कैप्सूल बी में बनाया था और वो यहीं से गायब हो गया सर, प्लीज। ताज्जुब की बात है कि तुम्हारी कहानी में चीजें गायब ज्यादा होती हैं और बनती कम है। तुम साइंटिस्ट हो या जादूगर? नहीं सर, प्लीज ट्राई बिलीव मी, मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ सर, प्लीज। सर ये क्लोन नहीं बल्कि तेल निकाल रहे थे। सर नो सर, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। सर मेरे ख्याल में अब हम ही इनका तेल निकालेंगे। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर।
आज वो हो गया जो तुम कब से चाहती थी। अब तो खुश हो? तरीका है इन सब से बचने का, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। हाँ, मैंने एडवोकेट मलकानी से भी बात की है। ही इज द बेस्ट लॉयर इन द कंट्री। वो कोर्ट में प्रूव कर देंगे कि तुम्हारी तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आई मीन, जो कुछ भी तुमने किया वो सब पागलपन में किया। शायद तुम्हें पागल खाने में भी कुछ दिन रहना पड़े। ट्रस्ट मी सिद्धू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी ये बात मान लो प्लीज। I really love you very much, Sidhu. I hate you, Siddharth. जाने बाहर दे के खुमार मुझे बेकरार कर दे। सीने में चैन हो तो प्यास धड़कन में प्यार भर दे। मैं तो तेरी नजरों से तेरी जों में उतरने लगा। करने लगा
तन्हा रहा न जाए। धक धक करने लगा, तेरे चेहरे पे मरने लगा। मैंने बहुत इसे समझाया समझाया समझाया, पर इश्क ये करने लगा। तमाम गवाहों और सबूतों की बिना पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सिद्धार्थ सरदेसाई को भारतीय दंड संविधान 1860 के तहत धारा 329 में पागल मुजरिम करार देते हुए इसे पागलखाने की जेल में ले जाने का आदेश जारी करती है। मेरे साहब, क्या हम हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं? सुचित्रा, मेरी बात का विश्वास करो। विश्वास की बात मत करो अपने गंदे मुंह से। मेरा इतना कुछ छीनने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला कि तुमने मेरे पापा को भी मुझसे छीन लिया? किस बात का बदला ले रहे हो तुम हमसे? पापा हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझते रहे और तुमने उन्हीं का खून कर दिया। अदालत के फैसले से तो तुम बच गए सिद्धार्थ, लेकिन भगवान के फैसले से तुम कभी नहीं बच पाओगे। वो तुम्हें सजा जरूर देंगे। बेटा चुप हो जा। जरूर देंगे तुम्हें सजा। कोर्ट ने अभी अभी इसे पागल करार दिया है और पागलों के मुंह लगा नहीं करते। आंटी, मैंने ले चलो इसे। हाँ जादव, मैं यहाँ थाने मेंटल असालम आया हूँ सिद्धार्थ को देखने। कोई काम हो तो मुझे फोन करना, ठीक है?
तो फिर वो कौन था? Come on out everyone. Quick. जल्दी आओ. राठौर साहब या यहाँ कुछ गड़बड़ है. ये देखिए, ऐसा लगता है यहाँ पेंट दोबारा किया गया है. ठीक है, यू कीप ऑन वर्किंग. ओके सर. मैं देखता हूँ. मुझे क्लोज सर्किट कैमरा मिला है. या इसका मतलब सिद्धार्थ सच कह रहा था. थैंक यू सर. देर से ही, लेकिन आपने यकीन तो किया कि ये सब मैं नहीं, मेरा क्लोन कर रहा है. But he's dangerous, sir. Very dangerous. I know, that's his heart. लेकिन सबसे पहले हमें वो टेप्स चाहिए जो तुम्हारे वीडियो कैमरास में थे. टेप्स? हाँ, हो सकता है उससे हमें कोई सुराग मिल जाए जो कि हमें मुजरिम तक पहुंचा सके. सर, आप कौन सी टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं? देखो सिद्धार्थ, कानून तुम्हारी मदद करना चाहता है. तुम्हें भी कानून की मदद करनी चाहिए. सर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे किसी टेप्स या कैमरास के बारे में कुछ नहीं पता. तो फिर वो वीडियो कैमरास. अच्छा, एक बात बता सिद्धार्थ, तुम्हारे अलावा उस जगह के बारे में कौन कौन जानता है? आदित्य और मिस्टर चोपड़ा. आदित्य एंड मिस्टर चोपड़ा. इसका मतलब है आदिति? नो सर, मुझे बताए बगैर वो ऐसा कभी नहीं करेगी सर. नेवर. व्हाट अबाउट मिस्टर चोपड़ा? वो भी नहीं सर. आखिर मिस्टर चोपड़ा को मेरे लैब में कैमरा रखने से क्या मिलेगा? ये तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा. सर, मुझे लगता है कोई हम सबको फंसाना चाहता है. आदिति की जान खतरे में सर. इफ यू डोंट माइंड, कैन आई जस्ट मीट हर वंस? सिर्फ एक बार सर. ठीक है, मैं जादव को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ. मगर एक बात याद रहे सिद्धार्थ, अभी तुम्हारा केस खत्म नहीं हुआ. तुम्हें यहीं वापस आना है. जब तक मैं मिस्टर चोपड़ा से मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश करता हूँ. जादव, तुम अंदर जाके आओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ. ठीक है, जल्दी आना. अदिति, 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 कहाँ हो तुम? थैंक गॉड यू ओके. इंस्पेक्टर राठौर मुझे छोड़ दिया है. उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं सच बोल रहा था. तुम ठीक कहती थी कि वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो गया. अदिति, तुम भी धोखा खा गए. मैं सिद्धा तो तुम्हारा सिद्धू जानती हूं, इसलिए तो मारा है तुम्हें. क्या? क्योंकि तुम सिद्धार्थी हो. अदिति, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो हम दोनों को साथ देखकर हैरानी हो रही है. पता है,
ये मुझसे जितना प्यार करती है उतनी नफरत तुमसे करती है। यूं समझ लो तुमने मुझे नहीं बनाया बल्कि इसने मुझे तुमसे बनवाया। क्यों आदिति क्यों? देर कैसे लग गए? और आदिति कहाँ है? वो मैं आपको बताता हूँ, आइए चलिए। हाँ चलो। असलियत का पता चल गया ना? सर। सिद्धार्थ? यस सर। तुम कब आए? सर अभी अभी आए, आप जल्दी चलिए सर। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम्स? यस सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको रास्ते में सब कुछ बता दूं। जल्दी चलिए प्लीज। पर तुम्हें कैसे पता कि वो अदिति को लेके मालछेद किया? वो फोन पे किसी से बात कर रहा था, मैंने सुन लिया। फोन पर जादव कहाँ था? उसके पीछे क्या है? पर उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? नहीं पता, लेकिन उसने मुझे आपको लाने बोला। तुम्हें ये खून कहाँ से लग गया? बहुत सवाल पूछते हैं आप इंस्पेक्टर साहब, टू मेनी क्वेश्चंस। ना ना, रोकने की कोशिश मत करना, सब पुलिस वाले शकी होते हैं, इट्स वेरी इरिटेटिंग। इसलिए तो उस जादव को, बेवकूफ साला। लेकिन आप तो बहुत स्मार्ट हो और बहुत डेयरिंग भी, आज देखते हैं किसमें ज्यादा जिगर है। अब अगर ये स्पीड 90 से 85 हुई या तुम्हारा पांव एक्सीलेटर से हटा तो 90 85 90
क्यों आदिति, तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि तुमने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। मैंने? हाँ तुमने सिद्धार्थ, तुमने मेरे भाई की जान ली है। उसने नायरसी लैब में अपने मकसद को पूरा करने के लिए मेरे भाई की बलि चढ़ा दी। आदिति वो एक हादसा था, इट वॉज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट वो तुम्हारे लिए होगा सिद्धार्थ, मेरे लिए वो मेरी परिवार के तबाही का कारण था। संजय की मौत की खबर सुनते ही मेरी मम्मी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। उसके मौत के आंसू सूखे तक नहीं थे कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई तुम्हारी वजह से। तुम एक हत्यारे हो सिद्धार्थ, यू आर अ मर्डरर। उसी दिन से मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे बदला लूंगी, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की, इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए कहा, यहां तक कि मैंने तुम्हें फाइनेंस भी दिया और लैब के लिए जगह भी। क्लोन तो तुमने अपने मर्जी का बना लिया सिद्धार्थ, लेकिन क्लोन को कैरेक्टर मैंने अपनी मर्जी का दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो, ताकि तुम एक क्लोन बनाओ और वही क्लोन तुम्हारी बर्बादी का कारण बने। टू यूज योर ओन क्रिएशन टू डिस्ट्रॉय यू। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, मुझे एक बार पूछ तो लिया होता कि उस रात क्या हुआ। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। पर मैंने तो तुमसे प्यार किया है, और उस रात क्या हुआ ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है आदिति। मैं और संजय उस रात आईआरसी के लैब में थे, हमें अपने सारे सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एक बटन, एक बटन दबाने से हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें अभी तक आईआरसी से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। आई थिंक हमें डॉक्टर कृष्णन की परमिशन के लिए वेट करनी चाहिए। नहीं सिद्धू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी तो। सिद्धू लेट्स डू इट यार। उस दिन मैंने संजय की बात मानकर सबसे बड़ी गलती की, लेकिन फिर भी मैंने उसे कैप्सूल के अंदर जाने नहीं दिया। कैप्सूल के अंदर तू नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं सिद्धू, दुनिया में अगर पहला क्लोन बनेगा तो मेरा ही होगा। नहीं, मैं तुझे रिस्क नहीं लेने दूंगा। Do you understand what I'm saying? रिस्क? सिद्धू? ओके, टॉस कर लेते हैं, जो जीतेगा वो पहले अंदर जाएगा। फाइन। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैं टॉस नहीं बल्कि अपनी दोस्त की जिंदगी हार रहा था। मैं थोड़ा सा नर्वस जरूर था, लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने का पूरा यकीन था। उस हादसे के बाद आज तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। आंख बंद करते ही मुझे अपने दोस्त का चेहरा नजर आता है। आदिति, मैंने ये प्रोजेक्ट नाम कमाने के लिए नहीं बल्कि संजय और मेरा सपना पूरा करने के लिए फिर से शुरू किया था। इस तरह मैं उसे जिंदा रखना चाहता था, हमेशा के लिए। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। प्लान के मुताबिक इंस्पेक्टर राठौर यहां किसी भी वक्त पहुंच सकता है और तुम्हें क्लोन समझ के गोली भी चला सकता है। गोली तो बंदूक से निकल चुकी है मैम, बस शिकार तक पहुंचना बाकी है। तुम लोगों ने अपने अपने सपनों की तो बात कर ली, पर मुझे अपने सपने के लिए मिस्टर सरदेसाई को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आदिति, गिव मी द गन, गिव मी द गन, आई से गिव मी द गन। आदिति, 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 आदिति,
स्वागतम मेरे जन्मदाता स्वागतम। मेरी इस छोटी सी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हें बाहर क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं चाहता था कि मरने से पहले एक बार तुम मेरी छोटी सी दुनिया देखो। देखो देखो, ध्यान से देखो, ये सारे क्लोन्स हैं, हमारे क्लोन्स। इनमें से कुछ हमारे जैसे दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हैं तो अपने, है ना? एंड यू नो व्हाट, इन बेचारों को मैंने दिमाग नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये मुझसे उसी तरह बगावत करें जैसे मैंने तुमसे की। ये बेचारे तो सिर्फ ऑर्डर्स लेंगे, ऑर्डर्स, और इन्हें ऑर्डर्स देगा कौन? मैं। तुम्हारे सपनों की दुनिया में सिर्फ मैं था, मैं, लेकिन मेरे सपनों की दुनिया में मेरे सपनों की दुनिया में मुझ जैसे हजारों होंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं होगी, तुम जैसे इंसान, क्योंकि मुझे तुम जैसे इंसानों से सख्त नफरत है। तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैंने तुम्हें बनाया इंसान और इंसानियत की भलाई के लिए। कुदरत के खिलाफ तुम्हें बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आज उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। सिद्धार्थ, सिद्धू, कैसे सुधारोगे अपनी गलती? कैसे? मुझे मार के? इसीलिए तो कहता हूं, कभी किसी इंसान पर भरोसा मत करना। मेरी दुनिया का पहला उसूल, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। कितना भरोसा करते थे तुम उस पे और वो मुझ पे, पर क्या मिला उसे? हाँ, कुछ मिला? नहीं ना। Quick. God. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। यस सर। ओके सर। इंस्पेक्टर, हुआ
कमाल है, बहुत जान है तुम्हें, मरते नहीं। कमॉन आओ। कैसे बचोगे? चांस सकते हैं। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ सर। जरा सोचिए, अगर एक क्लोन हमारी दुनिया में इतनी तबाही कर सकता है, तो अगर ये सब जिंदा हो गए तो क्या होगा?
मुझे एक किस्सा यहीं पे खत्म करना पड़ेगा सर। तुम ठीक कहते हो, मगर ये होगा कैसे? कंट्रोल रूम सर। क्या कर रहे हो? सर ये सारे क्लोन्स पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इन्हें बनाने के प्रोसेस को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये बनने से पहले खत्म हो जाएंगे, जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ था। कैसी है? लगता है प्रोसेस उल्टा करने से टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बिगड़ गया है, जिसकी वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया सर। ये जगह कभी भी ब्लास्ट हो सकती है सर। How much time do we have? Seconds. So let's go. Let's go. अदालत ने वैज्ञानिक सिद्धार्थ सरदेसाई को मुजरिम करार न पाते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया और हिदायत दी कि वो जिंदगी भर क्लोनिंग पर रिसर्च नहीं करेगा। सिद्धार्थ अपना प्यार तो ना पा सका, लेकिन जो गलती उसने अपना क्लोन बनाकर की थी उसका प्रायश्चित उसने जरूर की। उसने सुचित्रा से शादी कर ली, ये जानते हुए कि सुचित्रा की कोख में जो बच्चा सांस ले रहा है वो क्लोन का है। और अब ये दोनों अपना अतीत भुलाकर खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन क्या ये बच्चा इनकी जिंदगी में खुशियों की सौगात लाएगा या बनेगा इनकी तबाही का सबब? जाने होगा क्या। हर वक्त मुसीबत लाए लाए लाए, ये रूप तेरा मस्ताना
हर वक्त मुसीबत लाए, रग रग में शोले भड़के, मेरे दिल पे कयामत लाए, तेरी मस्त जवानी झलके झलके, तेरी मस्त जवानी झलके, दुनिया पे नशा छा जाए, तेरी मस्त जवानी झलके, दुनिया पे नशा छा जाए, ये रुक मेरा मस्ताना, हर वक्त मुसीबत लाए, रग रग में शोले भड़के, तेरे दिल पे करामत लाए, मेरी मस्त जवानी झलके, तेरी मस्त जवानी झलके, दुनिया पे नशा छा जाए। असर है तेरी नजर में, दो तीर उतरे सीधे जिगर में, कैसा असर है तेरी नजर में, दो तीर उतरे सीधे जिगर में, नाजुक लबों को दे तू निशानी, होंठों से चूमूं तेरी जवानी है।